पार्टी का जनसंपर्क अभियान है वो शुरू हुआ है, और उसमें जो ड्रग्स का मामला है उसके लिए आज, और महंगाई के लिए जो बढ़ती जो हत्याएं हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति का खराब हो चुका है पूरे प्रदेश में, आज डून ब्लॉक की हमारी मीटिंग हुई है चौधरी राम कुमार जी की अध्यक्षता में। तो हमने आज विज्ञापन भी दिया है राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को भी, ताकि जो सरकार आज गूढ़ी नींद में सो रही है उसको जगाया जाए, और जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं दिन प्रतिदिन वो कम हो और महंगाई कम हो। और जो ड्रग्स का मामला, जैसे पंजाब में हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वहाँ बहुत सख्ती की हुई है, और हमने ज़ीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार पंजाब में कांग्रेस की काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी ड्रग्स के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस हो। कि नशे के खिलाफ रैली का आगाज किया गया है, वो नशा जिसमें कई बच्चे बर्बाद हो गए, शिक्षा संस्थान में पढ़ाई करने आते थे, हम आप परिवारों के लोग हैं, हमारे मन में एक भावना होती है, चाहे वो किसान है चाहे वो नौकरी वाला है, कि मैं अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई करूं। हमारे स्थानीय विधायक राम कुमार जी को हमने जब ये जिम्मा दिया, इन्होंने कहा बद्दी एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं परेशान हो चुका हूं, कई लोग मेरे पास आते हैं, कई परिवार मेरे पास आए, कहा मेरा बेटा नशे की लत में डूब चुका है। और आपने आवाज उठाई, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी पूरे हिमाचल प्रदेश में। ये बद्दी की आवाज, नशे के विरुद्ध जो हमारी आवाज है, इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, पहली बार ऐसा हुआ कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के पास गए, कि जो भी नशे के कारोबार में सम्मिलित है, कोई भी कॉस्मेटिक ड्रग्स या सिंथेटिक ड्रग्स कोई भी दुकानदार बेचता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाए। आप खरीदना चाहते हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कुंदन, एंटिक ज्वेलरी, हिमाचली ज्वेलरी, टेपल ज्वेलरी, तो चले आइए दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन। सोलन के एकमात्र ज्वेलर जिनके बिकने वाले गहने खुद दुकान पर ही बनाए जाते हैं। कॉन्टेक्ट 9816078655।